हेलो एंड वेलकम टू कृष्णा क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी मिडो सरप्राइजेस मिडो कहते हैं घास के मैदान को और इस पोएम में पोएट ने उन सरप्राइजेस के बारे में बताया है जिन्हें हम ध्यान से देखने पर घास के मैदानों में ढूंढ सकते हैं वो कौन से सरप्राइजेस हैं जानने के लिए देखेंगे ये वीडियो मिडोज सरप्राइजेस यू कैन फाइंड में सरप्राइजेस होते हैं ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो हमारे लिए बिल्कुल आश्चर्यचकित करने वाली होती हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो उन्हें ढूंढ सकते हैं वॉक सॉफ्टली थ्रू द वेल्वेट ग्रास एंड लिसन बाय द ब्रुक उन सरप्राइजेस को ढूंढ पाने के लिए देख पाने के लिए हमें सॉफ्टली वॉक करना होगा धीरे धीरे दबे पांव जाना होगा और मखमली घास के ऊपर वेल्वेट ग्रास के ऊपर धीरे धीरे चल करके जब हम जाएंगे एंड लिसन बाय द ब्रुक ब्रुक माने नदी छोटी नदी के पास जब हम ध्यान से सुनेंगे तो हम ऐसे बहुत से सरप्राइजेस को डिस्कवर कर सकते हैं यू मे सी अ बटरफ्लाई रेस्ट अप ऑन अ बटर कप एंड ड्रिंकिंग स्ट्रॉस टू सेव द नेक्टर अप अब हमें पोएटिक एग्जाम्पल दे रहा है किस तरीके के हम सरप्राइजेस देखेंगे मीडोज में हम एक बटरफ्लाई को एक तितली को देख सकते हैं बटर कप के फूल के ऊपर बैठे हुए और कैसे यह अपने ड्रिंकिंग स्ट्रॉ को ड्रिंकिंग स्ट्रॉ को मतलब अपने पतले लंबे मुंह को फूल के अंदर डाल करके नेक्टर पीती है शहद को पीती है उसको हम देख पाएंगे अगर हम धीरे धीरे घास के मैदान में जाएंगे यू मेज अ रैबिट हु इज सिटिंग वेरी स्टिल दो एट फर्स्ट यू मे नॉट सी हिम वेन ही होप्स यू विल नेक्स्ट सरप्राइज जो हम देख सकते हैं घास के मैदान में वो है एक रैबिट एक खरगोश जिसे आप स्केयर कर दोगे जब आप घास के मैदान में जाओगे स्केयर का मतलब है फ्राइटन करना या डराना एट फर्स्ट यू मे नॉट सी हिम हो सकता है आप उसे शुरू में ना देख पाओ क्योंकि रैबिट का कलर ऐसा नहीं होता कि वो बहुत चमकदार होता हो, हो सकता है वो आपको पहले ना दिखाई दे वेन ही हॉप्स हॉप्स का मतलब है जंप करना जब वो जंप करेगा तब तो आप रैबिट को जरूर देख लोगे जिसका बड़ा सा फूल फजी दिखाई देता है अनक्लियर दिखाई देता है गोल्डन डेज एगो वो कुछ दिन पहले गोल्डन कलर का था बट अब वो सफेद कलर का हो गया है और एयरी पैराशूट जैसा हो गया है यानी वो तेजी से हवा में बिखर रहा है उड़ रहा है और वो इतना लाइट हो जाता है कि वेन यू ब्लो ऑन इट जब आप उस पर फूक मारो तो वो फ्लटर करता है हवा में फड़फड़ाता है एक्सप्लोर द मिडो हाउसेज द बरोज इन द ग्राउंड आ नेस्ट बीनीथ टॉल ग्रासेस द एंड अमेजिंग माउंट पोइट इज आस्किंग अस टू डिस्कवर द हाउसेज फाउंड इन द मिडो मिडो में जो बने हुए हाउसेज हैं अलग अलग क्रीचर्स के उनको पोएट नोटिस करने के लिए कह रहे हैं और पोएट अबाउट थ्री काइंड ऑफ हाउसेस। पहला तो बरोज हैं, ग्राउंड में बने हुए बिल हैं, जो चूहे समेत कई जानवरों के हो सकते हैं सेकेंड इज अनेस्ट बीनीथ टॉल ग्रासेस लंबी घास के नीचे बने हुए घोंसले द एंड अमेजिंग माउंट और चींटी का अमेजिंग यानी सरप्राइजिंग माउंट यानी ढेर माउंट मीन्स पाइल्ड अ हीप और अ स्मॉल हिल एंट हिल कहलाते हैं चीटियों के घर क्योंकि वो जमीन के ऊपर मिट्टी का ढेर जैसा बना करके उसमें अपना घर बनाती हैं और पोएट को लगता है उसका ये घर बहुत ही अमेजिंग है ओह मिडोज है थिंग्स टू टेल देन पोएट्स एज कि मीडोज में बहुत सरप्राइजेस होते हैं और मीडो हमें कई सारी बातें बता सकते हैं यू में डिस्कवर दीज यू लुक एंड लिसन वेल और ये सारी बातें ये सरप्राइजेस हम तब खोज सकते हैं तब डिस्कवर कर सकते हैं इफ यू लुक एंड लिसन वेल अगर आप ध्यान से देखोगे ध्यान से सुनोगे तब आप मिडो में छिपे हुए सरप्राइजेस को खुद भी डिस्कवर कर सकते हो पोएम हमने ऑलरेडी पढ़ ली है अब हम इसके क्वेश्चन आंसर को समझ लेते हैं

ड्रिंकिंग स्ट्रॉ का मतलब है कि बटरफ्लाई जो अपने लंबे पतले नली जैसे मुंह से शहद फूलों से निकालती है तो पोएट को लग रहा है जैसे कि वो स्ट्रॉ से जूस पी रही हो मिडो हाउसेज रेफर्स टू द बरोज नेउंस मिडो हाउसेज का मतलब है जानवरों के चीटियों के और चिड़ियों के वो घर जो घास में बने होते हैं द अमेजिंग माउंट इज अ रेफरेंस टू द माउंट और एन ant क्रिएटेड बाय द the एज as their लिविंग प्लेस अमेजिंग माउंट से मतलब है चींटियों के उस ढेर जैसे घर से जो जमीन के ऊपर चींटियां बनाती हैं चींटियां जमीन के ऊपर ढेर मिट्टी का लगा करके एक घर बनाती हैं जिसे एंट हल भी कहते हैं और पोएट ने कहा है उसको अमेजिंग माउंट क्योंकि पोएट को वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग लग रहा है जी हेड रेफर्स टू द ब्राइट येलो फ्लावर्स ऑफ डेंडिलियन डेंडिलियन के चमकदार पीले रंग के फूल को पोएट ने फजी हेड कहा है विच लाइन इन द पोएम सजेस्ट दैट यू नीड अ कीन आई एंड अ शार्प इयर टू इंजॉय एमडो रीड अलाउट द स्टेंजर दैट कंटेन्स दिस लाइन आंसर इज यू मे डिस्कवर दीज योर सेल्फ इफ यू लुक एंड लिसन वेल इस लाइन में पोएट कह रहे हैं कि हमारी कीन आई और शार्प ईयर होना चाहिए तब हम मिडो में छुपे हुए सरप्राइजेस को डिस्कवर कर सकते हैं डिस्क्राइब द वेरियस साइट वन कम्स अक्रॉस इन द मीडोज अब पोएट ने कौन कौन से दृश्यों के बारे में इस पोएम में बताया है उनको डिस्क्राइब करना है आंसर इज इन द मीडोज वन कम्स अक्रॉस वेरियस ब्यूटिफुल साइट्स फर्स्ट इज वन इज एबल टू सी बटरफ्लाई सिपिंग नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स One encounters a rabbit that suddenly hops in front of you. One is able to see dandelions transform from buds to flowers and seeing them flutter. One can also see meadow houses like burrows, mounds, and nests. Poet ne चार तरह के surprises के बारे में बताया है. पहला तो poet ने कहा butterfly के बारे में जो buttercup के ऊपर बैठकर के nectar चूसती है. Second की कोई अचानक से खरगोश आपके सामने आ सकता है रैबिट को आप इनकाउंटर कर सकते हैं थर्ड यू कैन सी अ डंडीलियन टर्निंग फ्रॉम अ फी हेड इन टू एयरी पैराशूट्स एंड लास्ट इज यू कैन डिस्कवर मिडो हाउसेज जैसे कि बरोज माउंट एंड ने डियर स्टूडेंट्स आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल इन केस यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो एज टू गेट नोटिफिकेशन फॉर फ्यूचर अपलोड्स Many thanks for watching.